शबे बरात, इस रात में तमाम हजरात जागते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, माफ़ी तलाफी करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं। लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे भी होते हैं जो इस रात को नाम तो जागने का देते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम कि रात जागने का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग तो मस्जिद में आके नमाज अदा करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे नौजवान भी हैं कि वो रात में गाड़ी बाइक लेके निकल जाते हैं, कभी इस होटल पर चाय पीते हैं, कभी उस होटल पर चाय पीते हैं, कभी यहाँ पार्टी करते हैं, कभी वहाँ पार्टी करते हैं, और सुबह को सबको यही बताते हैं कि रात हमने भी जागी है। यार ये रात जागना हो गया है, ये रात जागना नहीं होता है। जागना उसे कहते हैं कि आप मस्जिद में आएँ, नमाजें अदा करें, गुनाहों से तौबा करें, माफ़ी तलाफ़ी करें, पूरी रात आप इबादत करें। और इस बाबरकत रात में आपको मैं बताऊं कि आप कुछ नमाजों का भी एहतमाम करें, वो किस तरीके से और क्या अदा करें वो भी आप सुने। सबसे पहले आप अवाबीन की नमाज़ अदा करें। अवाबीन की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है? ये मगरिब की नमाज के बाद फौरन बाद 6 रकात नमाज होती है। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज मगरिब के बाद 6 रकात अवाबीन अदा करता है और इस तरह अदा करता है कि बीच में दरमियान में कोई बुरी बात ना कहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 12 साल इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, इतना ज़्यादा सवाब है माशाल्लाह। तो ये अवाबीन की नमाज़ 6 रकात आप अदा करें। कैसे अदा करेंगे? आप नियत 2-2 रकात करके बांधें। नियत कोई अलग नहीं बांधी जाती है, कोई अलग तरीका नहीं है, नियत दिल के इरादे का नाम है। बस आप दिल में इरादा कर लें या ज़बान से कह दें कि मैं अवाबीन की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैंने अवाबीन की नमाज़ की नियत की है, बस आपकी नियत हो गई। इसके बाद फिर आप सलात और तस्बीह पढ़ने का एहतमाम करें। सलात और तस्बीह का बहुत ज़्यादा सवाब है, अल्लाह ताला बेहिसाब आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और तमाम सहाबा को सलात व तस्बीह पढ़ने की तरगीब दी है। तो आपको चाहिए कि ये नमाज जो है हफ्ते के हफ्ते पढ़ें, या रोज़ अगर पढ़ सकते हैं तो रोज़ पढ़ें, और अगर हफ्ते के हफ्ते या रोज़ रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं तो महीने के महीने पढ़ें। महीने के महीने अदा नहीं कर सकते हैं तो साल के साल अदा करें, और अगर साल के साल भी अदा नहीं कर सकते, वैसे तो अदा कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा भी इसमें टाइम नहीं लगता है, अदा करने में कोई दिक्कत नहीं है, 20-25 मिनट लगते हैं। अगर साल में भी अदा नहीं कर सकते तो ज़िंदगी में एक मरतबा ये नमाज़ ज़रूर अदा करें, बहुत ज़्यादा इसमें सवाब है। इस नमाज़ को कैसे पढ़ेंगे? इसको देखें, ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने 4 रकात नमाज तस्बीह की नियत बांधी, उसी तरीके से कह दें आप मैंने सलात व तस्बीह की नियत की है या मैं सलात व तस्बीह पढ़ रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। ठीक, दिल में इरादा कर लें, नियत हो गई। सना पढ़ें, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा आप ये तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है, उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत और मिलाएं, उसके बाद फिर 10 मरतबा आप सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ें। उसके बाद आप रुकू करें, रुकू में जाएँ सुबहान रब्बिल अज़ीम, 3 मरतबा पढ़ें। अब एक बात और समझ लें, सुबहान रब्बिल अज़ीम, अगर किसी के मुंह से सुबहान रब्बिल अज़ीम नहीं निकल पाता है तो आसानी के लिए बताता हूँ, वो सुबहान रब्बिल करीम, सुबहान रब्बिल करीम अदा करें। क्योंकि अगर माना लफ्ज़ जब बदलेगा तो माना भी बदल जाएगा, जब माना बदल जाएगा तो फिर गुनाह पड़ेगा, तो सुबहान रब्बिल करीम पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप क्या करें, 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़ें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, रुकू में ही ये तस्बीह पढ़ें। उसके बाद आप खड़े हो जाएं, फिर आप 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें, और फिर आप सजदे में चले जाएं, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें, उसके बाद सजदे की हालत में ही 10 मरतबा फिर ये तस्बीह पढ़ें, और फिर उठ जाएँ, फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ें, फिर दूसरे सजदे में जाएँ, सुबहान रब्बियल आला पढ़ें 3 मरतबा, और फिर सजदे की हालत में ही 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, ये तस्बीह हो जाएंगी 75 मरतबा। 1 रकात में 75 मरतबा तस्बीह पढ़ना है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये वाली तस्बीह। फिर आप फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएँ, फिर जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे फिर 15 मरतबा, जैसे आपने सना के बाद 15 मरतबा पढ़ी थी तस्बीह, उसी तरीके से दूसरी रकात में आपको सना फिर नहीं पढ़ना है, फिर सिर्फ तस्बीह पढ़ना है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर उसी तरीके से जैसे पिछली रकात में आपने 10-10 मरतबा करके पढ़ी थी, इसी तरीके से आप इस रकात में भी पढ़ें, यानी हर रकात में 75-75 बार जब आप पढ़ेंगे तो
104 रकात में 300 मरतबा ये तस्बीह हो जाएगी, और चौथी रकात में सलाम फेर दें, ये आपकी सलात व तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी, और इसका सवाब बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमारे भाइयों को तौफीक अता फरमाए कि वह सलात व तस्बीह अदा करें। उसके बाद क्या करना है आपको, देखें इशराक की नमाज आप अदा करें। इशराक की नमाज कैसे अदा करेंगे, इशराक की नमाज का टाइम होता है सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद इशराक का टाइम शुरू हो जाता है, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इशराक की नमाज अदा करता है तो उसे इतना सवाब मिलता है कि उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। इस हालत में नमाज अदा करे कि फजर की नमाज पढ़े, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर जिक्र अज़कार करने लगे, कोई वज़ाइफ़ पढ़ने लगे, और सूरज तुलू हो जाए, सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद वो इशराक की नमाज अदा कर ले, तो एक हज और एक उम्रे का सवाब उसको मिलता है। इसका टाइम कब तक रहता है, ज़ुहूए कुबरा तक इसका टाइम रहता है। कर ले इशराक की नमाज 4 रकात पढ़ ले, दो दो रकात करके पढ़ ले, फिर नमाज चाश्त अदा करे, चाश्त की नमाज भी 4 रकात पढ़े, दो दो रकात करके, ठीक है। इसका सवाब क्या है और इसका टाइम कब से कब तक है, चाश्त का टाइम जो है इशराक के फौरन बाद चाश्त का ही टाइम है, और इसका भी टाइम जो है निसफुल निहार शरई तक रहता है, और चाश्त की नमाज की फजीलत बहुत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स चाश्त की नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हों। एक है कितनी ज़्यादा इसमें बरकत और कितनी ज़्यादा फजीलत है। आपको चाहिए कि इस रात में हुल्लड़बाजी ना करें, इस रात में इधर उधर होटलों पे चाय पीने के लिए ना जाएं, वो टाइम और भी मिल जाएगा आपको। इस रात में आप अल्लाह और रसूल का जिक्र करें, इबादत करें, नेक अमल करें, बहुत ज़्यादा बाबरकत रात है, और इस रात में अगर नेक अमल करेंगे तो सवाब आप पाएंगे, सवाब आपको मिलेगा। इस रात में ही आप अगर आपसे कोई रंजिश रखता है, आपसे कोई बुराई रखता है, तो उसको भी आप खुद मना लें यार, आपसे कोई नहीं बोलता है तो आप खुद ही बोल लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अदा बहुत पसंद आती है कि यार हमसे कोई नहीं बोलता है, कोई बात नहीं है, वो हमसे नहीं बोलेगा पर हम उससे बोलेंगे, हम उससे रिश्ता कायम करेंगे। या आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आप उससे नहीं बोलते हैं, तो आपको चाहिए कि इस रात में उससे सुलह कर लें, उससे बोलें, हाँ उससे दोस्ती कर लें, ठीक, ये अदा बहुत पसंद आती है। और जो भी आपके ऊपर किसी का हक आता है अदा कर दें, अगर आप किसी से नाराज़ हैं उसको माफ़ कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सदक़े में आपको बहुत ज़्यादा